नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी को निशाने पर लेने के बाद सुर्खियों में रहे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। फडणवीस ने कहा है कि मलिक की कंपनी ने उन लोगों से जमीन खरीदी है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं। ये जमीन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दो नाम भी बताए, इसमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया गया है। वहीं अब देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड लिंक के आरोपों पर नवाब मलिक की सफाई भी आ गई है। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने सच को राई का पहाड़ बनाकर पेश किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो फूटा नहीं, लेकिन अब कल 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में। और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे आपको। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था। नवाब मलिक ने कहा है कि मैं पिछले 62 सालों से मुंबई में रह रहा हूं, आज तक मेरे खिलाफ कोई भी गलत बात सामने नहीं आई, मेरा किसी भी गैंग वॉर से संबंध नहीं है। जिस जमीन की फडणवीस बात कर रहे हैं वहां हम पहले किराएदार थे। जमीन के मालिक ने हमें वो प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से बेची थी क्योंकि उनको उस वक्त पैसों की जरूरत थी। एक सिक्योरिटी वाले ने जमीन पर अपना नाम लिखवा लिया था। हमने वो जमीन पूरे ट्रांसपेरेंट रूप में खरीदी है। जिस जगह की वो बात कर रहे हैं वहां जाकर मीडिया वाले देखें कि केवल वहां 190 मकान है, किसी भी गैंग वॉर का वहां दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस के सीएम रहते पूरे मुंबई शहर को हॉस्टेज बना रखा था। कहा गया है कि अंडरवर्ल्ड का सरगना विदेश में बैठकर बीजेपी सरकार के वक्त उगाही करता था। नवाब मलिक ने कहा कि आपके शासनकाल में जिस तरह से आपके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रहे हैं उसका मेरे पास सबूत है। किस तरह से एक ऑफिसर के साथ मिलकर आपके लोगों ने धन की उगाही की, वो सच भी जल्द सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।